हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी, और हम देखने वाले हैं मैक्लारिन्स थ्योरम। मैक्लारिन्स थ्योरम मैं आपको बताऊं कि मैक्लारिन्स थ्योरम का बेसिक यूज़ क्या है। तो आपने कई बार देखे होंगे कि जैसे साइन एक्स की सीरीज़ है, कॉस एक्स की सीरीज़ है, और टेन एक्स की सीरीज़ है, ई टू द पावर एक्स की सीरीज़ है, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स की सीरीज़ है। ऐसे कोई भी फंक्शन जिनकी सीरीज़ होती है या जो सीरीज़ के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकते हैं, और हमें कई बार लिमिट्स की जो प्रॉब्लम होती है और भी कई बार दूसरी प्रॉब्लम्स होती है जो सीरीज़ से ही रिजॉल्व होती है, लेकिन हम उस टाइम सीरीज़ उनकी भूल जाते हैं। तो ये मैक्लारिन्स थ्योरम हमें उसकी मदद करती है। मैक्लारिन्स थ्योरम की मदद से आप साइन एक्स की, कॉस एक्स की, या जिस भी फंक्शन की आप सीरीज़ चाहेंगे तो आपको उसकी सीरीज़ मिलेगी। इसके लिए बस आपको सारे झंझट से मुक्त होके एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि एफ ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स एफ डैश ज़ीरो और अपॉन में फैक्टोरियल वन है विच इज़ वन, इसलिए मैंने लिखा नहीं, आप नया आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ज़ीरो, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो एंड सो ऑन। एफ डैश ज़ीरो मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव, और फर्स्ट डेरिवेटिव में एक्स की जगह ज़ीरो। एफ डबल डैश ज़ीरो मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव में एक्स की जगह ज़ीरो। तो बिल्कुल आसान है। आप सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आप ले हम लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स लें तो पहले आप एफ डैश एक्स निकाल लें। एफ डैश एक्स क्या होगा? ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स। एफ डबल डैश एक्स क्या होगा? e टू द पावर x का फिर डेरिवेटिव e टू द पावर x। f ट्रिपल डैश भी ऐसे ही होगा। अगर ये सारी वैल्यूज ऐसी हैं तो फिर एक काम करते हैं, हम f ऑफ ज़ीरो निकाल लेते हैं। f ऑफ ज़ीरो कितना होगा? तो e टू द पावर ज़ीरो इज वन। f डैश ज़ीरो कितना होगा? f डैश ज़ीरो सेम वन। f ट्रिपल f डबल डैश ज़ीरो वन। f ट्रिपल डैश ज़ीरो वन। एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो वन फंक्शन का डेरिवेटिव थर्ड टाइम। अब ये जो डेरिवेटिव्स आ गए हैं उनको इसके अंदर रखना है। तो जब आप सारी वैल्यूज इसके अंदर रखेंगे तो देखिए आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा एफ ऑफ ज़ीरो। एफ ऑफ ज़ीरो कितना है? वन है, तो यहाँ वन लिखिए प्लस। अब आप देखिए कि आपके पास नेक्स्ट टर्म क्या है, एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन, एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन, और एफ डैश ज़ीरो कितना है? एफ डैश ज़ीरो वन, तो इनटू में वन आएगा। लिखना चाहें तो लिखें, नहीं तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। प्लस आप देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, एफ डबल डैश ज़ीरो भी आप देखिए, एफ डबल डैश ज़ीरो भी वन है, एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो भी वन है। तो ये इस तरीके से आपका एक्सपेंशन आ गया, इंटू वन आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, अप टू इन्फिनिटी। तो ये आपने देखा बच्चों, दोस्तों ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएट, वो ई टू द पावर एक्स की सीरीज़ है। इसी तरह से अगर आप कोशिश करेंगे तो मैं आपको एक और सीरीज़ लिखता हूँ ई टू द पावर माइनस एक्स की। ये आप निकालिएगा ई टू द पावर माइनस एक्स की, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े। ई टू द पावर माइनस एक्स में यहाँ पर होगा ई टू द पावर ज़ीरो वन वन, लेकिन e टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, इसलिए यहाँ माइनस वन आएगा। तो ये आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री एंड सो ऑन। तो इस तरीके से e टू द पावर माइनस एक्स की सीरीज़ निकाल लें। आप चाहें तो e टू द पावर के एक्स की सीरीज़ निकाल लें। e टू द पावर के एक्स की सीरीज आएगी वन प्लस के एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन, के एक्स होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, के एक्स होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री एंड सो ऑन, फैक्टोरियल थ्री एंड सो ऑन। तो ये सीरीज आप निकाल सकते हैं। अब आइए देखते हैं कुछ और सीरीज, जैसे कि दूसरा केस लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स।
ए टू द पावर एक्स की सीरीज निकालना हो, जैसे टू टू द पावर एक्स हो, थ्री टू द पावर एक्स हो, तो उनकी सीरीज निकालने के लिए क्या करेंगे? तो दूसरा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स है तो एफ डैश एक्स होगा ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई, या एल एन भी लिख सकते हैं आप, एफ डबल डैश एक्स ए टू द पावर एक्स, लिख देता हूं मैं ए टू द पावर एक्स एल एन एक्स, ए टू द पावर एक्स लॉग एक्स लॉग ए का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ आएगा लॉग ए, यहाँ एल एन ए होल स्क्वायर, एफ डबल डैश के बाद आएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स ए टू द पावर एक्स, फिर ए टू द पावर एक्स का एल एन ए लॉन ए, तो ये हो जाएगा आपका एल एन ए होल क्यूब। एफ ट्रिपल डैश के बाद अगर आप नेक्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं तो निकालें, या डैश डैश डैश, इससे ही काम हो जाएगा हमारा। अब आप देखिए एफ डैश एफ ऑफ जीरो कितना है, एफ ऑफ जीरो आपका है वन, एफ डैश जीरो क्या है आपका एल एन ए, एफ डबल डैश जीरो क्या है आपका लॉन ए स्क्वायर, एफ ट्रिपल डैश जीरो क्या है आपका लॉन ए क्यूब। ये सारी वैल्यूज आपको रखना है दोस्तों इसमें। तो एफ एक्स की जगह देखिए अब मैं सारी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो एफ एक्स की जगह क्या आएगा, एफ एक्स की जगह आ जाएगा ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू, अब आप एफ ऑफ जीरो देखिए, एफ ऑफ जीरो कितना है वन, तो ये होगा वन प्लस लॉन ए अपॉन लॉन ए एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन प्लस लॉन ए, ये देखिए इसका एफ डबल डैश जीरो का वैल्यू कितना है लॉन ए स्क्वायर, अब एल एन ए स्क्वायर भी बोलो लॉन ए स्क्वायर बोलो इसको, और इनटू में क्या है इसके एक्स स्क्वायर, तो लॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एंड सो ऑन, और आगे बढ़ा दें तो आपको इसकी सीरीज आ जाएगी। अब इसी तरह से अगर आप अगला केस देखना चाहते हैं कि लॉग वन प्लस एक्स की सीरीज क्या होगी, तो लॉग वन प्लस एक्स की सीरीज निकालते हैं। थर्ड केस देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ वन प्लस एक्स बेस ई, या फिर आप एल एन वन प्लस एक्स भी लिखते हैं, और देखिए इसको क्या लिख देंगे आप चाहें तो इसको लॉग वन प्लस एक्स बेस ई नहीं लिखते, तो एल एन वन प्लस एक्स लिख दे लॉन लॉन वन प्लस एक्स, एफ डैश एक्स लॉन वन प्लस एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स, एफ डबल डैश एक्स लॉन इसका डेरिवेटिव उसके डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स होल स्क्वायर, इसका थर्ड डेरिवेटिव तो हो जाएगा टू अपॉन वन प्लस एक्स होल क्यूब, और ज़्यादा आगे डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं, इससे हमको सीरीज का नेचर पता लग जाएगा। और अब आप ये सारी वैल्यूज जब इस पर देखें रखें तो क्या होगा, आप देखें इनमें सारी वैल्यूज अगर आप रखेंगे तो देखिए एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, एफ ऑफ एक्स है आपका लॉन वन प्लस एक्स जिसकी सीरीज निकालने चल रहे हैं हम, या फिर लॉग वन प्लस एक्स बेस ई लिख दें। अब आपको क्या चाहिए एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो कितना होगा आपका, एफ ऑफ जीरो होगा देखिए एफ ऑफ जीरो हो जाएगा आपका लॉग वन, लॉग वन या लॉन वन, लॉन वन इसकी वैल्यू एल एन वन की वैल्यू होती है जीरो, तो ये पहली टर्म आपकी जीरो हो जाएगी, और दूसरी टर्म देखिए आप एफ डैश जीरो एक्स इंटू एफ डैश जीरो, एक्स विल रिमेन एज इट इज, एक्स में कोई चेंज नहीं करना, एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो क्या होगा तो इसमें एफ डैश जीरो निकाल लें, एफ डैश जीरो होगा वन अपॉन वन प्लस जीरो वन, एफ डबल डैश जीरो हो जाएगा माइनस वन अपॉन वन प्लस जीरो स्क्वायर, तो ये माइनस वन, एफ ट्रिपल डैश जीरो
हो जाएगा आपका, इसमें रख दें तो ये हो जाएगा 2/1+0 होल क्यूब, तो ये आ जाएगा आपके पास 2। फिर इसके आगे के डेरिवेटिव निकाल सकते हैं आप। अब ये वैल्यूज़ अगर आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो देखिए आपके पास है, अगला है x इंटू f'0/(1), तो f'0 हो गया आपका 1 और अपॉन में क्या है फैक्टोरियल 1, तो 1 फैक्टोरियल लिखे तो नहीं चलेगा, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब अगला जो है आपके पास है x²/(2), तो आप लिख दें x²/(2), फैक्टोरियल 2 मीन्स 2, और f"0 की वैल्यू, f"0 की वैल्यू -1 है, तो वो -1 मैंने यहाँ लिख दिया है, अदरवाइज यहाँ पे +1 आता और यहाँ पे -1 आता, तो ये -1 × +, इट बिकम्स माइनस, ये आपका माइनस हो गया। अब आपका अगला डेरिवेटिव जो है वो क्या है, वो यहाँ पे यूज होगा, लेकिन उसके लिए पहले क्या होगा x³/(3), तो ये हो जाएगा आपका x³/(3), 3 × 2 × 1, और जो आपका f"0 है वो देखिए क्या है f"0 आपका 2 है, तो ये 2 इसको कैंसिल कर देगा, तो आपके पास क्या आ जाएगी सीरीज, आपके पास सीरीज इस तरह की आएगी x-x²/2, x³/3 माइनस x⁴/4, क्योंकि जो अगला डेरिवेटिव होगा ना इसका f"' के बाद जो इसका फोर्थ डेरिवेटिव होगा, तो फोर्थ डेरिवेटिव में ऐसा आ जाएगा 2 × -3, ये जो 3 है ये ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 × -3, तो वो जो 4 फैक्टोरियल लिखेंगे 4 × 3 × 2 × 1, उसके 3 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, केवल 4 बचेगा विद नेगेटिव साइन, तो ये आपके पास किसकी सीरीज आ गई है, log 1+x की सीरीज है। अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सीरीज के नाम पे साइन एक्स और कॉस एक्स है, एक सीरीज मैं निकालता हूँ, एक सीरीज आप निकालिएगा, तो सबसे पहले आप साइन एक्स से चालू कर दें, इसका यूज आप कभी भी किसी भी फंक्शन की सीरीज के लिए कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज़ है, यू कैन अप्लाई इट। आपके पास है f(x)=sin x, अब अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहें तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, देखिए f(0) कितना हो जाएगा आपका sin 0 प्लस x/(1), अब f'0, तो पहले f'x क्या होगा इसका, तो मैं आपको इसका f'x लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन कम हो, f'x ध्यान से देखिए साइन एक्स का f'x कॉस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास cos 0 प्लस f"x होगा -sin x, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x²/(2), और ये आ जाएगा -sin, पर हमें f"0 चाहिए तो x की जगह 0 लिख दीजिए, प्लस x³/(3), अब f"x क्या होगा -sin x का डेरिवेटिव -cos x, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा -cos 0 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते जाएंगे आप आती जाएगी, देखिए ये वैल्यू 0 होती है भूल जाइए, ये वैल्यू 1 होती है, ये वैल्यू 0 होती है sin 0, ये भी 0 हो गया, फिर देखिए cos 0 1, बट दिस माइनस विल कम आउटसाइड, ये बाहर आ जाएगा तो +(-) क्या बन जाएगा माइनस x³/(3), अब आपको आइडिया लग जाएगा यहाँ 1 फैक्टोरियल है 1 3 फैक्टोरियल, तो अगला जो टर्म आएगा आपका वो आएगा x⁵/5 फैक्टोरियल, ऑल्टरनेटली आएंगी आपके पास x की ऑड पावर्स 1 3 5, और ±++-, अगला टर्म आएगा आपका ऐसा, आप इसकी कोशिश करिए, निकालिए, मुझे लिख भेजिए और बताइए कि आपने ये काम कर लिया। अगर आपको इसी तरह से कॉस एक्स की सीरीज चाहिए हो तो आप कॉस एक्स की सीरीज निकालिए, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप मुझे अपने जवाब लिख भेजिए कि सर हमको सीरीज़ निकालने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं रही। आप किसी भी फंक्शन की किसी भी तरह की कोई सीरीज निकाल सकते हैं, कॉस एक्स की ये सीरीज़ है, ये सीरीज़ आप निकालिए, मैच करिए, मुझे बताइए, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप नोट कर सकते हैं 9685698056,
ये व्हाट्सएप नंबर है, और आप साथ में थे डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी के लिए। आप इसी तरीके से और क्या चीज़ें चाहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और नहीं कमेंट बॉक्स में लिखना चाहते आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करिए। मेरी बेस्ट विशेष हैं, आप अच्छे से अच्छा करें और आगे बढ़ें, दुनिया में बड़े से बड़े मुकाम हासिल करें, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों से ज़्यादा इंटरेक्ट करें एजुकेशनल मोटिव के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट।